तो फ्रेंड्स एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अलग अलग पेज पे अलग अलग वाटरमार्क कैसे क्रिएट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर मैं 100 से ज्यादा वीडियोस बना चुका हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, वहां से जाकर के आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो वाटरमार्क अलग अलग पेज पे क्रिएट करने के लिए हम कोई लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं लेंगे। बहुत सिंपल से तरीके से मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक से आप बहुत सिंपल तरीके से तीनों पेजेस पे अलग अलग वाटरमार्क क्रिएट कर पाएंगे। तो आपको सामने दिख रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पेज, और यहाँ पर देखिए तीन अलग अलग पेजेस मैंने लिए हुए हैं। इनका साइज मैंने थोड़ा सा छोटा रखा है ताकि आपको क्लियरली समझ में आया कि कैसे हम अलग अलग पेज पे अलग अलग वाटरमार्क क्रिएट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल वाटरमार्क क्रिएट कर लेंगे। तो उसके लिए हमें जाना है ऊपर के रिबन में डिजाइन में। ये देखिए डिजाइन का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल रहा है, ठीक है। इस पर क्लिक कर दीजिए तो नीचे देखिए बहुत सारे ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे। हमको जाना है लास्ट में, यहाँ देखिए वाटरमार्क का ऑप्शन है ये, ठीक है। इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करिए तो नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। कोई भी एक वाटरमार्क सेलेक्ट कर सकते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल हम डू नॉट कॉपी का वाटरमार्क ले लेते हैं। तो जैसे ही हम डू नॉट कॉपी पे हमने क्लिक किया, देखिए सब पेजेस पे डू नॉट कॉपी आ गया। अब देखिए ध्यान से कि हमें क्या करना है, हमें ऊपर हेडर वाले सेक्शन पे डबल क्लिक करना है, ठीक है। डबल क्लिक किया, हेडर का सेक्शन ऊपर आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, नीचे क्लिक करना है डू नॉट कॉपी पर, ठीक है। तो देखिए डू नॉट कॉपी जो हमने क्लिक किया तो इसके चारों ओर ये छोटे छोटे पॉइंट्स बन के आ गए। अब हमें क्या करना है, इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है, ठीक है। कंट्रोल सी दबा के हमने इसको कॉपी कर लिया। अब देखिए क्या करना है, हमको वापस से जाना है डिजाइन में। पहले बाहर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। अब हमको वापस से जाना है डिजाइन में। डिजाइन में जाने के बाद हमें जाना है फिर से वाटरमार्क में, ठीक है। इस पे क्लिक करिए और नीचे देखिए रिमूव वाटरमार्क का ऑप्शन है, वाटरमार्क यहाँ से रिमूव कर दीजिए। अब देखिए वाटरमार्क यहाँ से हट चुके हैं। अब हमें क्या करना है, सिंपल पहले वाले पे कर्सर रखिए और यहाँ पे कंट्रोल वी दबा दीजिए, ठीक है। ये देखिए है ना, इसको हमने वापस से अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। ये रहा पहला वाटरमार्क, दूसरे पे ले आइए, फिर यहाँ पे कंट्रोल वी दबाइए और यहाँ पर अपना वाटरमार्क आप बदल लीजिए। मान लीजिए मैं यहाँ पे सैंपल लिख देता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैंने सैंपल्स के बाहर क्लिक किया तो ये देखिए कुछ ऐसा आएगा। इसको भी आप चाहें तो थोड़ा सा अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से चौथे पे लाइए, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे सिर्फ कॉपी छोड़ दीजिए आप, ठीक। ये देखिए, तो इस तरीके से आप तीनों पेजेस पे अलग अलग वाटरमार्क क्रिएट कर सकते हैं।